हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज है छठा दिन और हम आज करने जा रहे हैं हायर एजुकेशन के कुछ ऐसे टॉपिक जिससे आप ये मान के चलिए कि आज का क्लास खत्म होने के बाद, मतलब आज का क्लास देखने के बाद आपके 3 क्वेश्चन हायर एजुकेशन से कंप्लीट हो जाएंगे। ये बात मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 2 पार्ट में हायर एजुकेशन को लाने वाला हूँ क्योंकि बड़ा यूनिट है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आज हम लोग करने वाले 2 चीज, क्या क्या सर? डिजिटल इनिशिएटिव जो होगा हायर एजुकेशन का वो, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मैंने उसका जो 66 पेज की 2020 यानी P2020 जो है उसको 66 पेज का जो पूरा का डिस्क्रिप्टिव है उसमें से जो बेस्ट चीजें हैं उसको मैंने निकाल के आपके सामने रखा है। आइए उसकी शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में और आज का देखते हैं कि आज का कोटेशन क्या है, आज का मोटिवेशन क्या है। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट थिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग इन इज लाइफ इज टू हैव अ ग्रेट एम। बोल रहा है भाई साहब, जिंदगी में ना एम होना बहुत जरूरी है, मकसद, एंड द डिटरमिनेशन टू अटेन इट। तो भाई साहब सीधा सीधी बोला कि भाई साहब एम तो रोज बनाते हैं, रोज हम लोग कहते हैं कि आज पढ़ेंगे, आज से पढ़ना शुरू करेंगे, आज ये अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको डिटरमिनेशन के साथ कंप्लीट नहीं करना चाहते। मतलब क्या होता है, आज तो सोच लिया, देख लिया, फिर छोड़ो, ठीक है ना कल कर लेंगे, ठीक है ना कल कर लेंगे, ये प्रोकास्टिनेशन हमारे अंदर आते रहता है, टाल मटोल का नेचर हमारा हो जाता है। तो आपको अगर अगर किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो एम बनाइए और उस एम पर डिटरमिनेशन के साथ लगे रहिए तो जब तक वो अचीव ना हो जाए, ठीक है। तो आज का थी मोटिवेशन की शुरुआत, अब चलते हैं आगे। सर आप क्या देखिए, इसका पीडीएफ आपको चाहिए जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं उसको, उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, नेटवाला भैया के नाम से आप इसको ज्वाइन करिएगा, वहां सारा पीडीएफ मैं डाल देता हूं। इसके साथ साथ आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको यूजी नेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और पीएचडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप नेट वाला भैया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में जाइएगा प्ले स्टोर में और वहां पे टाइप करिएगा नेट वाला भैया बिना स्पेस का और आप ये ऐप डाउनलोड करके वहां फ्री और पेड दोनों कोर्सेस आप ले सकते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यकीन मानिए इतना करने के बाद 2 क्वेश्चन आपका पक्का आना ही आना है हायर एजुकेशन से, इसमें से 2 क्वेश्चन लिखित ले लीजिए कि आएगा ही आएगा। तो शुरू करें, देखिए ये पूरा का पूरा चीज है डेटा बेस्ड। क्या है? डेटा बेस्ड है। तो डेटा आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, अचानक एक बार में सभी याद करने बैठ जाइएगा नहीं होगा। अभी आपके पास कितना दिन है सर? कम से कम 25 दिन में ना एक एक घंटा करके थोड़ा थोड़ा डेटा करके याद करते जाइएगा तो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, और रिविजन ऐसे ही होता है ना जी। तो शुरुआत करें सर, शुरू करिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसको ना बहुत 2 बार बदलाव किया गया। कब कब? एक 1968 में, 1986 में, और सॉरी 1968 में, और दूसरा है 1986 में, 1986 में। तो 68 और 86 में जो पॉलिसी के बदलाव किए गए हैं उसके बाद बहुत दिनों बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, कब? 2020 में, ठीक है, जिसका पर्पस क्या है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास का बनाना, ठीक है, इंडिया को ग्लोबल नॉलेज बनाना, सुपर पावर बनाना, जो आज से कई वर्षों पहले जब नालंदा विश्वविद्यालय था, जब तक शिला था, तो हमारा इंडिया जो है विदेशों से बच्चे वहां पढ़ने आते थे। इसी पर्पस को लेकर नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। आइए शुरुआत करते हैं उसकी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विद एम टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्या क्या चेंजेस करना है? तो कह रहा है फ्रॉम द स्कूल टू कॉलेज लेवल, स्कूल से कॉलेज लेवल पर पूरे चेंजेस की बात करी गई है। एनईपी एम्स क्या क्या पर्पस लेके रखा है कि इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। क्या बने? ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। सो कैबिनेट ने अप्रूव किया, रीनेम किया किसको? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। देखो एक बदलाव यह भी हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से इसका नाम दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब तो कह रहा था एनईपी क्लियर बाय कैबिनेट ओनली द थर्ड मेजर रिवैम्प। तो थर्ड मेजर रिवैम्प मतलब 2 पहले हो चुके थे, कौन कौन सा? सर 1968 में एक पॉलिसी आई थी और 1986 में दूसरी पॉलिसी आई थी। तीसरा पॉलिसी जो चेंज हुआ है, जो मेजर चेंजेज हुए हैं वो 2020 की पॉलिसी में हुआ है।
अब इसके ना तीन चार पार्ट बताए गए हैं। पहला पार्ट जो स्कूल लेवल पर होगा, स्कूल लेवल पर क्या क्या चेंजेस किए जाने उसकी चर्चा करनी है। दूसरा पार्ट भाई साहब हायर एजुकेशन में क्या क्या चर्चा कर चीजें आ रही है उसकी चर्चा करनी है, और तीसरा है प्रोफेशनल या जिसको अदर एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं तीसरा पार्ट है। तो हम एक एक करके आराम आराम से देखेंगे कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो पहला स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन की। ठीक है, स्कूल एजुकेशन की बात करें तो पहला जो स्कूल लेवल पे जो पहले पढ़ाई होती थी वो 10+2 का था। क्या था, 10+2 मतलब 10th में हम लोग एग्जाम देते थे बोर्ड, और 12th में भी बोर्ड देते थे। ठीक है, लेकिन जब अब नई पॉलिसी आई है तो उसमें बदल के उसको 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर कर दिया गया है। सर 5+3+3+4 का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो क्या था, प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था, जहां हम क्लास 10 तक 6 से 16 साल के बच्चों को रखते थे और 16 से 18 साल के बच्चों को प्लस 2 दिला देते थे, यानी 12th क्लास में ये एग्जाम दे देता था। अब का जो नया पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें चार स्टेज बनाया गया, एक को फाउंडेशनल कहा गया, दूसरे को प्रिपरेटरी कहा गया, तीसरे को मिडिल स्टेज कहा गया, और चौथे को सेकेंडरी स्टेज कहा गया। पहला स्ट्रक्चर जो है 5 का, तो सर 5 का जो स्टेज है ना उसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया। क्या बोला गया कि 3 साल तक जो बच्चे हैं, 3 साल तक यानी 3 years मतलब 3 साल तक के नहीं, 3 साल, 3 क्लास, उम्र कितना होगा, 3 से 6 साल के बच्चे, 3 साल, 3 साल से 6 साल के बच्चे, अगर कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो ये मान के चला गया कि 3 साल में वो पढ़ना शुरू करता है। तो 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होंगे वो आंगनवाड़ी में या बाल वाटिकाज में क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, 3 साल तक वो खेलेंगे कूदेंगे समझेंगे चीजों को। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 साल में यानी कि अपनी उम्र के 6ठे से 8वें साल में जब वो 6 साल से 8 साल के हो जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 years तक वो क्लास 1 और क्लास 2 में रहेंगे। मतलब फाउंडेशन का जो स्टेज होगा ना वो 2 स्टेज में होगा। फाउंडेशन का स्टेज क्या होगा, 2 स्टेज में, एक तो होगा 3 से 6 साल तक के, 3 वर्ष रहेंगे, और जो 6 से 8 साल तक के बच्चे होंगे वो 2 साल रहेंगे क्लास 1 और 2 में। ठीक है, टोटल 8 साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेशनल स्टेज होगा। क्लियर है बात, जी सर। दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, तो प्रिपरेटरी स्टेज होगा क्लास 3 टू क्लास 5 के बच्चों के लिए जिनकी उम्र होगी 8 से 11 साल। कितनी होगी, 8 से 11 साल, मतलब 8 से 11 साल के बच्चे जो होंगे वो क्लास 3 से क्लास 5 में होंगे और वो प्रिपरेटरी स्टेज में होंगे। फिर नेक्स्ट आइए थर्ड स्टेज, नेक्स्ट 3 क्या होगा, सर नेक्स्ट 3 होगा 6 टू 8 के बच्चे, 6 टू 8 के बच्चे होंगे, 11 से 14 साल के बच्चे होंगे, और वो क्या सर, वो मिडिल स्टेज में होंगे। और फिर नेक्स्ट जो है वो 14 से 18 साल के बच्चे होंगे जो क्लास 9 से क्लास 12 तक पढ़ाई करेंगे, उसको सेकेंडरी एजुकेशन बोला गया। तो यहां तक क्या ध्यान से समझिएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4 साल कहां रहेगा भाई साहब, क्लास 9 से 12 तक। ये कहां रहेगा भाई साहब, क्लास 6 से 8 तक। ये कहां रहेगा भाई साहब, क्लास 3 से क्लास 5 तक। और ये जो रहेगा 3 साल जो रहेगा वो रहेगा आंगनबाड़ी में, और 2 साल रहेगा क्लास 1 और 2 में। तो ये 5 साल, इसको कहा गया फाउंडेशनल स्टेज, इसको कहा गया प्रिपरेटरी स्टेज, इसको कहा गया मिडिल स्टेज, इसको कहा गया सेकेंडरी स्टेज। क्लियर है, यहां तक कोई बात, दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यही बात कह रहा है। देखो करंटली द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 3 टू 6 आर नॉट कवर्ड टू 10+2 स्ट्रक्चर इन एज क्लास 1 बिगिंस एट द एज ऑफ 6। तो देखो पहले वाला में जो था, जो पहले वाले कल्चर था उसमें ना 3 से 6 साल के बच्चों को कवर नहीं किया गया था, डायरेक्टली 6 क्लास से मतलब 6 साल के जो बच्चे होते थे वो क्लास 1 से पढ़ना शुरू करते थे। ठीक है, 6 साल के, वही कह रहा है क्लास 1 बिगिंस एट द एज 6, मतलब 6 साल के बच्चे क्लास 1 में डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते थे। लेकिन अब का जो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 को, तो बच्चे को ये माना गया कि वो क्लास 3 से ही पढ़ेंगे, सॉरी क्लास 3 बोल रहा हूँ, एज 3 से पढ़ेंगे, 3 साल के एज से वो पढ़ना शुरू करेंगे, 3 साल तक वो आंगनबाड़ी जाएंगे, है ना, उसके बाद फिर क्लास 1 और क्लास 2 में जाएंगे, फिर उसके बाद जो होगा नेक्स्ट 3 साल फिर आगे उसकी पढ़ाई करेंगे और 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में रहेंगे। अब देखो यहाँ पे भी वही कहा गया, फाउंडेशनल स्टेज जो होगा सर 5 साल का होगा, 5 साल का 3 साल जो आंगनबाड़ी होगा या बाल वाटिका, और 2 साल जो है 1 और 2 क्लास में रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड काम होगा। और जो प्रिपरेटरी स्टेज है, देखो बेसिक स्टेज, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, ये सारी चीजें होंगी। दूसरा जो है
सॉरी तीसरा जो स्टेज है वो मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज में क्या होगा, एक्सपीरियंस लर्निंग होगा, ठीक है ना। जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज की बात करी जाएगी। और सेकेंडरी जो लोग होगा क्लास 9 से 12 तक जो सीखेंगे वहां मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी सीखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप किया जाता है ये बात करी जाएगी। फ्लेक्सिबल एंड स्टूडेंट ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, यहाँ स्टूडेंट अपने चॉइस का सब्जेक्ट ले पाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बेसिक चीज है, कुछ नहीं है। 5+3+3+4 यहां पे है दो स्टेज। कौन सा सर? एक स्टेज होगा जो 3 ईयर तक बच्चे क्या करेंगे, कितने साल के बच्चे, 3 से 6 साल के बच्चे, ठीक है। और 2 साल तक पढ़ेंगे कौन से क्लास में, क्लास 1 एंड 2 में, ठीक है। ये कितने साल के बच्चे होंगे, ये 6 से 8 साल के बच्चे होंगे, ठीक है। ये जो 3 इयर्स पढ़ेंगे वो कहां पढ़ेंगे, आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में। और फिर नेक्स्ट 3 जो स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ 3 to 5, यही हुआ ना, 3 to 5। और ये जो है वो कौन सा हुआ सर, ये हुआ 6 to 8, है ना। और ये फिर 4 हुआ 9 to 12। ये क्लास है, ये क्या है, क्लास है। एज यहां से बढ़ जाएगा 8 से 11, ये हो जाएगा 11 से 14, ये हो जाएगा 14 से 18, या 18 साल तक कंप्लीट कर लेंगे यहां भी 12। क्लियर है बात समझ में आ गया जी सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो बात करी गई है किसकी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की, ECCE की बात करी गई है। इसमें क्या क्या बातें हैं आइए देखिएगा। एक डेटा है, कौन सा डेटा है, क्या कहता है कि जो लर्निंग, जो बच्चे जो सीखते हैं ना एज 6 के एज तक, मतलब 6 वर्ष तक जो उनकी कैपेसिटी होती है डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट की, वो 85% तक होती है, 85% काम करता है। मतलब उस समय जो सीखेगा ना वो 85% तक भूलेगा नहीं। द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग ओवर 85% ऑफ अ चाइल्ड क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अक्रॉस पीरियड प्रायर टू द एज ऑफ 6। 6 साल से बच्चे, 6 साल से पहले या 6 साल तक बच्चे क्या करते हैं, 85% चीजों को ब्रेन में डेवलप करने की उनकी उम्र होती है। ये बात एक डेटा है। उसके बाद क्या है? दूसरा क्या बोल रहा है, नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो चिल्ड्रन के लिए है वो ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय 2 पार्ट। देखो जो 8 वर्ष के बच्चे के लिए नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ECCE के द्वारा, जिसको 2 पार्ट में बांटा जाएगा। कौन कौन से पार्ट में, एक पहला पार्ट होगा जो 0 से 3 साल के बच्चों के लिए होगा, क्या होगा, 0 से 3 साल के बच्चों के लिए। और फिर जो दूसरा फ्रेमवर्क बनेगा वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए बनाएगा, ऐसा ECCE में कहा गया। उसके बाद क्या होगा नई पॉलिसी में, ECCE विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस आश्रम शाला में, देखो ट्राइबल डोमिनेटेड जो एरियाज है वहां भी ECCE को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन जो होगा ECCE का, उसमें जो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, कौन कौन से मिनिस्ट्री जाएंगी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स, ये सारी मिनिस्ट्री मिलकर जो है ECCE का काम करेंगे। कोई दिक्कत है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ये चारों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलें सर, बिल्कुल चलिए आइए, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए अब कहता है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या होगा, एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विजिट लर्निंग। देखो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी चीज, लेकिन इंपॉर्टेंट जो था मैं बता रहा हूं, जो पीपल टीचर रेशियो होगा, पीपल टीचर रेशियो मतलब स्टूडेंट टीचर रेशियो होगा, एक क्लास में कितने बच्चे होंगे, तो जगह कम हुआ तो 30 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, और अगर जगह थोड़ा फैला हुआ है, थोड़ा ज्यादा है, तो भैया 25 बच्चे पर एक स्टूडेंट होना चाहिए, इसी की बात कर रहा है वो। देखो 30 पर 1 और 25 पे 1, वो देखो। और क्या बोल रहा है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, वो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को उसमें इंपार्ट किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। अब देखो तीसरा है, ड्रॉप आउट रेट्स की बात कर रहा है, क्या, कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स की, कितने बच्चे छोड़ के चले गए, इस पे भी जो डेटा है ना वो बड़ा जबरदस्त डेटा, आइए देखेंगे। कह रहा है इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल, हर लेवल पे एजुकेशन को देखने के लिए क्या क्या, कितना ड्रॉप आउट रेट है, क्या है वो आगे हम देखते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक सर? कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
चलिए नेक्स्ट चलें। बी सर क्या कह रहा है, वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ स्कूलिंग सिस्टम मस्ट बी इंश्योर दैट चिल्ड्रेन आर एनरोल्ड इन एनरोल्ड इन एंड आर अटेंडिंग स्कूल। तो बोल रहा है प्राइमरी एजुकेशन जो है स्कूलिंग सिस्टम का वो प्राइमरी गोल जो सबसे पहला गोल है क्या कि बच्चे इनरोल करें स्कूल में और स्कूल अटेंड करने जाएं। अब बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान जिसको अभी कहा गया है समग्र शिक्षा, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट और इंडिया बोर्ड, इन दोनों के तरफ से जो इंडिया हैज मेड रिमार्केबल स्ट्राइड इन द रिसेंट ईयर्स इन अटेनिंग नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। कह रहा हाउएवर द डेटा फॉर लेटर इंडिकेट सम सीरियस इश्यूज। देखो कुछ डेटा है जो बताता है कुछ सीरियस इश्यूज के बारे में कि कैसे बच्चे जो है छोटे में तो ठीक जाते हैं लेकिन बड़े होते होते गायब हो जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो जो बताया गया है क्लास 6 से 8 तक के लिए वो 90.9% बताया गया है, मतलब बच्चे 90% बच्चे जो है 91% बच्चे जो है वो आते थे स्कूल। वाइल ग्रेड 9 10 और 11 12 के लिए वो क्या हो गया 90 से 91 से 79.3 हो गया 9 से 10 क्लास में, और 11 से 12 में वो 56% में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि बच्चे जो हैं ड्रॉप कर रहे हैं एनरोल करने के बाद 5 क्लास के बाद और स्पेशली क्लास 8 के बाद वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रहे हैं। तो कह रहा है एज पर द 75th राउंड ऑफ हाउस होल्ड सर्वे एनएसएसओ का डेटा है कि 2017-18 में नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एज जो था 6 से 17 साल बच्चे जो थे 6 से 17 साल के बच्चे उन्होंने 3.22 करोड़ बच्चे थे जो स्कूल छोड़ दिए। क्या था 3.22 करोड़ बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ये किसका डेटा था, 2017-18 का डेटा है और एनएसएसओ का है ना, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये बात है। कह रहा है अब इसका क्या है, ये टॉप प्रायोरिटी है। क्या टॉप प्रायोरिटी है भाई साहब, टॉप प्रायोरिटी ये है कि ब्रिंग दीज चिल्ड्रन बैक इनटू एजुकेशनल फॉल एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इन जो जो चिल्ड्रन छोड़ चुके हैं इनको वापस लाना ये प्राइम प्रायोरिटी है। किसका सर, अभी नई नई शिक्षा नीति है उसका, टू प्रिवेंट फर्दर स्टूडेंट फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट, और रोकना जो आगे स्टूडेंट्स हैं ड्रॉप ड्रॉप आउट होने से रोकना। और इसका क्या कारण है, कह रहा है गोल टू अचीव 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल बाय 2030। तो ये डेटा याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा कि जो स्कूल एजुकेशन है वो 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो कब तक अचीव कर लेगा, 2030 तक, यानी 2030 तक ये रेशियो आपका पहुंच जाएगा 100%। अब नेक्स्ट क्या है, करिकुलम एंड पैडागोजी इन स्कूल्स। भाई साहब क्या करिकुलम क्या पैडागोजी स्कूल्स में, तो कह रहा है लर्निंग जो होना चाहिए ना वो हॉलिस्टिक होना चाहिए, इंजॉय करने वाला होना चाहिए, एंगेजमेंट वाला होना चाहिए। तो ये क्लास नर्सरी केजी में बच्चे क्या ऐसे ही सीखेंगे, है ना, अभी तो डेटा वाला बात है। तो अभी तुम्हें क्या आपको लर्निंग जो है डांस करना नहीं पॉसिबल नहीं है, चलो तो ये बात याद रखो। तो अब ये बात क्या बोला, यहाँ पे जो करिकुलम और पेडागोजी है वो अब चेंज किया गया, क्या किया गया, रिस्ट्रक्चर किया गया स्कूल करिकुलम को और पेडागोजी को 5-3-3+4 के स्ट्रक्चर में। अभी इसकी चर्चा हमने करी है ना जी। देखो क्या बोला गया कि 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल के बच्चों के बीच में 5-3-3+4 का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। देखो करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन विल देयर बी गाइडेड बाई अ 5+3+3+4 डिजाइन। अब देखो 4 स्टेज की बात कर रहा था मैंने ना, देखो पहला स्टेज कौन था, फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में 2 पार्ट थे, 3 साल तक कहां पढ़ेंगे बच्चे, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में, और 2 साल तक प्राइमरी स्कूल जाएंगे जिसमें क्लास 1 या 2 में रहेंगे, ठीक है। और दोनों जो है वो 3 से 8 साल तक के बीच में होगा, ये क्लियर बात है फाउंडेशनल स्टेज में। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज जो क्लास 3 से क्लास 5 के बीच में होंगे बच्चे, और वो कवर करेंगे एज को 8 से 11 साल के बच्चे, ठीक है। मिडिल स्टेज जो थर्ड स्टेज है, अभी हमने इसकी डिटेल में चर्चा करी है, जो ग्रेड कितना होगा 6 से 8 साल के क्लास में होंगे, 6 to 8 क्लास में, और बच्चे कितने साल के होंगे, 11 से 14 साल के बच्चे होंगे। और सेकेंडरी स्टेज कितना होगा सर, 9 से 12 क्लास, यानी 9 to 12 क्लास के बीच में 2 फेज होगा, 9 10 और 11 12, ठीक है, जो 14 साल से 18 साल के बच्चे होंगे। याद रखिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। अब है होलिस्टिक डेवलपमेंट
की बात करी गई कि लर्नर का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, करिकुलम रिड्यूस कंटेंट है ना, एनहेंस लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की बात करी गई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करी गई कि एक्सपीरियंस के बेस पर जो लर्निंग हो उसकी बात करी जाए, और मल्टी लिंग्विज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज की बात करी गई। देखो लैंग्वेज ना बड़ा फैक्टर था, तो अब क्या बात किया गया, अब मैक्सिमम जगह बात किया गया कि उसके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई जाए, हर चीज रीजनल लैंग्वेज की बात करी गई। उसी चीज को देखते हुए क्लासिकल लैंग्वेज जो पाली पर्शियन और प्राकृत था उनके वर्क को भी प्रिजर्व किया गया, उनको भी बात ध्यान में रखा गया। हर स्टूडेंट कंट्री में पार्टिसिपेट करेगा फन प्रोजेक्ट, ठीक है, और लैंग्वेज ऑफ इंडिया को जो 6 से 8 साल के ग्रेड होंगे यानी 6 to 8 तक के जो बच्चे होंगे अंडर कौन से स्कीम में, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत उनको इंडिया के लैंग्वेज की आपको क्या शिक्षा दी जाएगी। कह रहा थर्ड नंबर, कह रहा एक प्रपोज किया गया, एक हम नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, परख। क्या नाम होगा, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है ना। ये देखिए क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा गया, दैट फुलफिल द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भाई साहब ये क्या होगा, सर ये आपका नॉर्म सेट करने के लिए, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और स्टूडेंट असेसमेंट इवैल्यूएशन के लिए जो होगा पूरे पूरे इंडिया लेवल पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर रखा जाएगा जिसका नाम होगा परख। और गाइडिंग द स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS, अंडरटेकिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, मॉनिटरिंग करना अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन द कंट्री एंड इनकरेज करना एंड हेल्प करना स्कूल बोर्ड्स को शिफ्ट दियर असेसमेंट पैटर्न टुवर्ड्स मीटिंग स्किल रिक्वायरमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो 21वीं शताब्दी के बेस पर आपको असेसमेंट पैटर्न करना है, तो नाम क्या होगा, परख होगा, परख का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट की बात किया जा रहा है, क्या बोल रहा है, टीचर्स की बात करा जा रहा है। बोला गया प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ाना है आपको तो टेट क्वालिफाई होना पड़ेगा, क्या क्वालिफाई होगा, टेट क्वालिफाई होगा और उस बेस पर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद क्या बोला गया कि भैया हर टीचर को 50 घंटे का आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, अपना ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट लेना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तीसरा बोला गया क्या कि कॉमन गाइडिंग सेट नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर NPST, याद रखिएगा कि गाइड करने के लिए क्या होगा, बोर्ड होगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स जो विल डेवलप बाय 2022 में डेवलप कर लिया गया, किसके द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के द्वारा इन इट्स रीस्ट्रक्चर्ड एंड न्यू फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी PSSB अंडर द जनरल एजुकेशन काउंसिल। अब ये क्या है, देखिए एक बॉडी बनाई गई है HCCI, पहले जो था सारे हेड बॉडी कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर 4 बॉडी बनाई गई, अभी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, टेंशन लेना नहीं है। जनरल एजुकेशन काउंसिल है ना, हैसी मेन बॉडी होगा, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिसमें ग्रांट्स का होगा, और 4 बॉडी होंगी, ठीक है, NAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, उसके बाद फिर होगी जनरल एजुकेशन काउंसिल, और 2 बॉडी होंगी जो आपको आगे बताया जाएगा, टेंशन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, नेक्स्ट जो है अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, अगर हम बात करें टीचर एजुकेशन की तो बोला 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो होगी टीचिंग की स्कूल लेवल पर वो 4 साल की बीएड की इंटीग्रेटेड डिग्री होगी, जिसने 4 साल का बीएड किया होगा वो पढ़ा सकेगा, फिर नहीं तो नहीं पढ़ा सकेगा। देखो 2 साल का भी बीएड डिग्री ऑफर किया जाएगा, बोला क्या कि 2-year बीएड प्रोग्राम्स विल ऑल्सो बी ऑफर्ड बाय द सेम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग द 4-year इंटीग्रेटेड, जो 4 साल का कोर्स कराएंगे वो 2 साल का भी कोर्स कराएंगे, लेकिन लेकिन विल बी इंटेंडेड ओनली फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी ऑब्टेंड बैचलर डिग्री इन द अदर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। तो वो उनके लिए होगा जिन्होंने 4 साल का कोर्स जो बैचलर डिग्री है वो किया होगा किसी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में, ठीक है जी। उसके बाद बोला 1 साल का भी बीएड होगा, दीज बीएड प्रोग्राम्स में आल्सो बी सुटेबली अडॉप्टेड एज 1-year बीएड प्रोग्राम, 1 साल का भी बीएड प्रोग्राम होगा, किसके लिए, विल बी ऑफर्ड ओनली दोज हु हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट 4-year मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री, जिन्होंने 4 साल का बैचलर डिग्री किया होगा, वहां पे 3 साल का था तो 2 साल वाला बीएड बोला, यहां 4 साल का जिसने जो मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री लिया होगा
वो क्या करेगा, या फिर मास्टर डिग्री लिया होगा स्पेशल फील्ड में, उसको क्या किया जाएगा सर, उसको एक साल का बीएड कराया जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। देखिए अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटी जो है उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा एनसीटीई के द्वारा, और किसके बेस पर, एनसीईआरटी के बेस पर, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इनके द्वारा, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब देखो इसमें जो है इस फिगर में भी वही चीज दिया हुआ है, कुछ कुछ चीजें आप देखो इसमें, सर ये क्या बोल रहा है कि 3.5 करोड़ बच्चे को वापस लेके आना है हमको, है ना, 2035 तक, कब बोला 2035 तक, हायर एजुकेशन की बात कर रहा है, लेकिन अगर स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 2030 तक लेके आएगा, ये भी हायर एजुकेशन वाला, स्टॉप करो आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या देखना है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है कितना, 2030 तक, ठीक है जी। क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है ना, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा, ठीक है, और टीचिंग जो होगा अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 से मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, क्लास 5 तक आपको रीजनल लैंग्वेज या उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है भैया, कुछ कुछ काम जो स्कूल एजुकेशन में हुआ था, यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा प्री प्राइमरी से ग्रेड 12 तक, ठीक है, जो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2030 तक पूरा करना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करी गई है जिसमें 3 से 6 ईयर तक 2025 तक क्या होगा एजुकेशन मिलेगा, रिप्लेसिंग 10+2 को 5+3+3+4 के, ये देखो ये ओवरऑल डिवीजन है, 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में रिवाइज किया गया। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करी गई है कि भैया 1 से 3 साल के बच्चों को 2025 तक उनके लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। मल्टी लैंग्वेजम और पावर ऑफ लैंग्वेज की बात करी गई है कि मीडियम इंस्ट्रक्शन जो होगा क्लास 5 तक, वो क्लास 5 से 8 तक वो होम लैंग्वेज होगा या मदर लैंग्वेज होगा। रिफॉर्म्स होगा इन एग्जाम्स, मोड एग्जाम्स को ब्रोकन कर दिया गया 2 पार्ट में, ठीक है ना, 2 बार टेस्ट होंगे अब आपके, क्या होंगे, 2 बार टेस्ट होंगे। न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा परक, ठीक है, जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी, है ना, असेसमेंट के लिए पूरे इंडिया पैन इंडिया पे। इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, टीचर का रिक्रूटमेंट और करियर पाथ होगा एनपीएसटी के द्वारा, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग क्या जाएगा, एक्रेडिशन क्या जाएगा स्कूल एजुकेशन का, और वोकेशनल एजुकेशन में 50% स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलेगा वोकेशनल एजुकेशन में 2025 तक। तो ये भाई साहब स्कूल एजुकेशन खत्म हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताना कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, क्या ही दिक्कत होगा इसमें, नहीं चलिए नेक्स्ट चले आइए सर। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं ये पार्ट टू है हायर एजुकेशन, जिसकी चर्चा हमें और डिटेल में करनी है। तो हायर एजुकेशन में बोला कि क्वालिटी वाली यूनिवर्सिटीज होंगी, कॉलेजेस होंगे, एक नया लुक, मतलब बोलते हैं ना, नया विजन होगा हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, नई नई बातें बताई जाएंगी। तो क्या होगा, कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ठीक है, और कुछ करंट सिस्टम बनाए जाएंगे जिसके तहत आपका क्या होगा सर, कुछ कुछ बातें बताई गई है। देखिए ये जो बातें हैं ना, नौ बात कही गई है, क्या क्या बात है, जो री एनर्जाइज करेंगी आपके हायर एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है। तो उसके लिए फॉलोइंग की चेंजेस टू द करंट सिस्टम, क्या चेंजेस किया गया करंट सिस्टम में, देखिए अब जो सिस्टम बनेंगी वो क्या क्या होगा, और ये नौ से सवाल पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा, कोई भी 3 उठा के दे देगा और एक दूसरा देगा, बोलेगा बताओ सही वाला कौन है या गलत वाला कौन है, ठीक है, या 4 दे देगा उसमें से बोलेगा कोई एक सही वाला दे देगा, बोलेगा बताओ सही वाला कौन है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा गया, देखो कौन सा बताता हूं मैं आगे, चलो पहला बोला, पहला प्रिंसिपल क्या होगा कि मूविंग टुवर्ड्स हायर एजुकेशनल सिस्टम, हम एक ऐसे हायर एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जो लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी होगा यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, जो विद एटलीस्ट 1 और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में या कम से कम एक जरूर होगा, जिसमें पूरे हायर एजुकेशन जो होंगे अक्रॉस इंडिया होगा, और वो मीडियम जो इंस्ट्रक्शन होगा वो लोकल या इंडियन लैंग्वेज में होगा, ठीक है, उसके रीजनल लैंग्वेज में एक कॉलेज ऐसा जरूर होगा जो हर डिस्ट्रिक्ट में, जो उसके रीजनल लैंग्वेज में या उसके लोकल लैंग्वेज में उसको एजुकेशन दे रहा होगा। दूसरा क्या बात बोला गया मूविंग टुवर्ड्स मोर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, तो वो ज्यादा से ज्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन है उसकी बात की गई कि वो लेके आएंगे। मूविंग टुवर्ड्स फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, उसकी तरफ भी आप बढ़ेंगे। कह रहा है रिवैम्पिंग करिकुलम,
करिकुलम है, पेडागोजी है, असेसमेंट है, स्टूडेंट का सपोर्ट फॉर एनहेंस्ड स्टूडेंट एक्सपीरियंस के लिए हम रिवैम्प करेंगे, नई नई चीजें लेके आएंगे, रीअफर्मिंग द इंटीग्रिटी और फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप। उसके बाद बोला गया एस्टैब्लिश करेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को, एनआरएफ को, क्यों, ताकि पीयर रिव्यूड रिसर्च को एक्टिवली किया जा सके, कहां देखा जा सके, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अच्छे तरीके से रिसर्च किया जा सके। तो उसके लिए क्या होगा, एनआरएफ आएगा, क्या आएगा, एनआरएफ आएगा। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन बाय हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैविंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, लाइट बट टाइट रेगुलेशन होगा बाय द सिंगल रेगुलेटर बॉडी, इंक्रीज्ड एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन थ्रू अ रेंज ऑफ मेजर्स। तो ये बात, तो ये नौ बातें याद रखना, नौ बात से ये वाला पूछा गया था, देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइट बट टाइट जो है वो किसका है, तो ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नई चीज है। अब बात करो इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन का, कि दो क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है बाय 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन एंड शैल एम टू हैव लार्जर स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। बोल रहा भाई साहब 2040 तक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे और ज्यादा से ज्यादा मल्टीडिसिप्लिनरी क्या होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है ना, फॉर द ऑप्टिमल यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे रिसोर्सेज को फॉर क्रिएशन वाइब्रेंट मल्टीडिसिप्लिनरी कम्युनिटीज, ठीक है। अब ये एक चीज और इंपॉर्टेंट वाला बोला भाई साहब, जो वोकेशनल एजुकेशन होगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में अभी उस समय कितना 2018 में था 26.3, जो बढ़ के 2035 तक 50 हो जाएगा, और अभी कितना है सर 30.1 है, कितना है अभी 30.1% है ना, इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा, इतना ही होगा। चलिए ये बात हो गया क्या कि 2018 से 26.3 था, 2035 में 50% होगा, अभी 30.1% क्या हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अगर हम स्कूल वाले बात करें तो 100% का पहुंच जाएगा वो 2030 तक पहुंच जाएगा, क्लियर है जी सर। कह रहा ओवरऑल हायर एजुकेशन सेक्टर विल एम टू इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन। देखो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी होगा जिसमें क्या होगा सर, पांच चीजें होंगी, क्या क्या, देखो ट्रूथ होगा, बात क्या करी जाएगी, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू ट्रूथ की बात करी जाएगी, जो सत्य है ना उसकी बात करी जाएगी, राइटिशियस कंडक्ट मतलब धर्म की बात की जाएगी, पीस मतलब शांति की, लव मतलब प्रेम की, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा की बात की जाएगी, जो साइंटिफिक टेम्पर होगा, सिटीजनशिप वैल्यूज होगा, इन सारे चीजों की बात करी जाएगी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में, कहां ये सर नया एजुकेशन पॉलिसी में। अब जो स्ट्रक्चर है ना, देखो अभी तक जो ग्रेजुएशन होता था, जब हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ते थे तो 3 साल का होता था, और 3 साल में एक भी साल अगर आपने गायब किया, मान लो फर्स्ट ईयर में रहे और गायब हो गए, तो आपको कुछ नहीं मिलता था, फिर आपको वहीं से शुरू करना पड़ता था अगर आप छोड़ के जाते थे तो। लेकिन अब का जो सिस्टम हो गया है ना, कि अगर आप 1 साल में भी पढ़ोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ डिग्री मिलेगा, 2 साल पढ़ोगे तो भी डिग्री, 3 साल पढ़ोगे तो भी डिग्री, और 4 साल पढ़ोगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी का डिग्री मिलेगा। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा था स्ट्रक्चर एंड द लेंथ ऑफ डिग्री प्रोग्राम शैल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से एडजस्ट होगा जिस हिसाब से आप करेंगे। द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी आइदर 3 ईयर या 4 ईयर का होगा, 3 साल या 4 साल का होगा, जिसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे, मतलब जब चाहे तब आप बाहर आ सकते हैं, जैसे कह रहा विद इन दिस पीरियड, किसी पीरियड में, जैसे 1 साल अगर आप पढ़ लिए और आपने 1 साल कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर डिसिप्लिन फॉर फील्ड इंक्लूडिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एरियर, किसी भी वोकेशनल या प्रोफेशनल में अगर आप 1 साल पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, उसका नाम क्या होगा, सर्टिफिकेट। दूसरा साल अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, क्या मिलेगा, डिप्लोमा नाम बोल के, और तीसरा साल अगर आप करते हैं तो उसको बोला जाएगा बैचलर डिग्री, और अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका नाम दिया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम, ठीक है। Shall be preferred for options since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education. ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या सर, 1 साल का भी है ना आपका दो, उसके बाद क्या है सर, 1 साल का भी किस आपको डिग्री मिल जाएगा, उसको क्या नाम होगा, सर्टिफिकेट, और 2 साल का वाले का क्या नाम, डिप्लोमा, 3 साल वाले का नाम क्या, बैचलर्स डिग्री, 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम, ये नाम होगा, ठीक है। मतलब हर साल आपको अगर आप छोड़ के भी जाना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद बोला गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करी गई, कि भैया हम इसको एस्टेब्लिश करेंगे, जो क्या करेगा, डिजिटली स्टोर करेगा एकेडमिक क्रेडिट्स को
फ्रॉम अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग जगह से, अलग अलग हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से आपने जो पढ़ाई की है उसका अकाउंट्स आपको क्रेडिट क्रेडिट किया जाएगा। फोर इयर्स प्रोग्राम में आल्सो विल लीड टू अ डिग्री विच रिसर्च इफ द स्टूडेंट कंप्लीट्स अ रिगरस रिसर्च प्रोजेक्ट इन द मेजर एरिया। तो बोल रहा है चार साल का जो प्रोग्राम होगा ना उसमें डिग्री के साथ रिसर्च भी किया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, हायर एजुकेशन जो है वो विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर डिफरेंट डिजाइन मास्टर। देखो मास्टर का जो होगा वो अलग अलग होगा। सबसे पहले कह रहा है देयर में बी ए टू ईयर प्रोग्राम विद अ सेकंड ईयर डेवलप डिवोटेड इंटायरली रिसर्च फॉर दोज हु हैव थ्री ईयर बैचलर डिग्री। देखो तीन साल का जिसने ग्रेजुएशन किया है उसके लिए दो साल का मास्टर्स होगा, जिसमें जो लास्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर नहीं लास्ट ईयर दूसरा साल, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पे ध्यान दिया जाएगा। एक केस। दूसरा केस बोला फॉर स्टूडेंट कंप्लीटिंग फोर ईयर बैचलर डिग्री एंड प्रोग्राम विद रिसर्च देयर कुड बी अ वन ईयर मास्टर प्रोग्राम। अब जो चार साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा उसको एक साल का पीजी करना पड़ेगा, मास्टर प्रोग्राम करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, जो पांच साल का बैचलर से मास्टर प्रोग्राम करेगा उसके लिए तो पांच साल है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अंडरटेकिंग अ पीएचडी शैल रिक्वायर अ मास्टर डिग्री और चार साल बैचलर डिग्री विद रिसर्च। तो भाई साहब पीएचडी करने के लिए अब आपको क्या चाहिए, या तो मास्टर डिग्री चाहिए या तो बैचलर डिग्री चाहिए रिसर्च के साथ में, मतलब चार साल का बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। और एमफिल को तो हटा ही दिया गया, कह रहा है एमफिल प्रोग्राम शैल बी डिसकंटिन्यूड, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है ना, हॉलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए आईआईटीज आईआईएम्स एटीसी में मेरू बनाया जाएगा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाया जाएगा, विल बी सेट अप एंड विल एम टू अटेन द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड। जो सबसे ज्यादा ग्लोबल स्टैंडर्ड होगा उसको अटेन करने की बात करी गई है, क्लियर है, मेरू याद रखिएगा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलें, आइए अब क्या सर, टीचर एजुकेशन की बात करा गया, तो टीचर एजुकेशन में क्या बोला गया, भैया 2030 तक चार साल वाला बीएड कोर्स जो है वो हर जगह चालू हो जाएगा और मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगा स्कूल टीचर्स के लिए, जो स्कूल टीचर है उसके लिए चार साल का डिग्री होगा। उसके बाद क्या बोला, चार साल का जो डिग्री होगा ठीक है उसके साथ दो साल वाला भी यहाँ चालू हो जाएगा, दो साल का भी बीएड होगा, है ना, जो बैचलर डिग्री लेके आएंगे, और एक साल का बीएड होगा जो चार साल का स्पेशलाइज सब्जेक्ट के साथ बैचलर डिग्री विद विद क्या किया, विद रिसर्च की होंगे। तो मतलब टोटल मिला के चार तीन तरीके की बीएड होगी, कौन कौन सा सर, एक साल, ठीक है, दो साल और चार साल, ये तीन तरीके का बीएड होगा, है ना, याद रखिएगा भैया, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, और मेरिटोरियस स्टूडेंट जो होंगे वो चार साल, दो साल और एक साल बीएड प्रोग्राम के लिए उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्टेब्लिश किया जाएगा। कह रहा पॉलिसी इनविजन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ का एस्टेब्लिशमेंट होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि कल्चर रिसर्च का आपको क्या करना है, डेवलप करना है यूनिवर्सिटी में इसके लिए। अब इसके जो है ना प्राइमरी एक्टिविटीज चार है, ये चारों का चारों याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो पहला है फंड कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल्स ऑल टाइप ऑफ अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन के लिए। तो क्या करना, फंड कॉम्पिटिटिव और पीयर रिव्यूड को ग्रांट प्रपोजल देना। सीड ग्रो एंड फैसिलिटेट रिसर्च एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली एट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वेयर रिसर्च इज करेंटली नासेंट स्टेज। तो भैया यहाँ पे बोला दूसरा कि भैया फैसिलिटेट करिए रिसर्च को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बढ़ाइए, ग्रो करिए और फैसिलिटेट करिए। तीसरा बोला एक्ट एज अ लाइजन बिटवीन रिसर्चर्स एंड रिलेवेंट ब्रांचेस गवर्नमेंट एज वेल एज इंडस्ट्री सो दैट द रिसर्चर्स रिसर्च स्कॉलर्स आर कॉन्स्टेंटली मेड अवेयर ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नेशनल रिसर्च इशू। तो बोला भाई साहब हम काम करेंगे रिसर्चर को गवर्नमेंट के इंडस्ट्री के साथ मैच करने का, ताकि रिसर्च स्कॉलर को पता चल पाए कि करंट इश्यू क्या है और उस पर वो रिसर्च कर पाए। चौथा जो है वो बात किया रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड प्रोग्रेस को। तो ये चार चीजें याद रखना एनआरआईएफ का क्या क्या है, सॉरी एनआरएफ बोल रहा हूं, एनआरएफ का क्या है सर, प्राइमरी एक्टिविटीज है। उसके बाद बात क्या किया गया, अब देखो ये चार चीजें जो मैंने बोल रहा था ना कि हायर एजुकेशन सिस्टम का एक मेन हेड सिस्टम होगा और उसके बाद उसके चार पार्ट होंगे उसकी बात कर रहा है। तो सर फोर स्ट्रक्चर विल बी सेटअप फॉर इंडिपेंडेंट वर्टिकल विद इन द अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन, और वो अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा, उसका नाम होगा हैसी,
HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके तहत चार इंस्टीट्यूशन होंगे आपके। कौन कौन सा सर? पहला जो वर्टिकल इंस्टीट्यूशन होगा उसको बोलेंगे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC। क्या होगा पहला? NHERC, जो क्या काम करेगा? कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन सेक्टर का, इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन और एक्सक्लूडिंग मेडिकल और लीगल। याद रखिएगा NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो होगा वो सारा चीज देखेगा, हायर एजुकेशन सब सेक्टर का, टीचर एजुकेशन का भी देखेगा, लेकिन मेडिकल और लीगल एजुकेशन का नहीं देखेगा। याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा सवाल इससे। दूसरा क्या कह रहा था? सेकंड वर्टिकल हैसी बॉडी का क्या होगा सर? दूसरा होगा मेटा एक्रेडिटेटिंग बॉडी होगी, जिसका नाम होगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, देखो यार ऐसे समझो, हैसी है ना, हेड बॉडी, चार बॉडी, पहला बॉडी NHERC यही है ना, NHERC, दूसरा बॉडी होगा NAC, तीसरा बॉडी होगा GEC है ना, GEC तीसरा है ना, तीसरा है HEGC, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तीसरा क्या है? HEGC, और चौथा है GEC। ठीक है, ये देखो थर्ड बॉडी क्या है, थर्ड वर्टिकल हेसी विल बी हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जो कैरी आउट करेगा फंडिंग और फाइनेंस को, क्या रखेगा? फंडिंग और फाइनेंस को, एजुकेशन बेस्ड ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया को, है ना, ये ध्यान रखेगा। फोर्थ वर्टिकल हेसी का बॉडी होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो फ्रेम करेगा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को, हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स को, जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट देगा। ठीक है, उसके बाद क्या बात करा? बोला गया भैया नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत फॉर्मुलेट करेगा कौन? जीसी देखेगा किसको? नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत, और इट शैल बी साइंड विद द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये दो चीजों को देखेगा, किसके लिए भैया? वोकेशनल एजुकेशन को हायर एजुकेशन में लाने के लिए। तो ये बात ये कह रहा है। अब क्या हो गया सर? आइए अब हम देखते हैं इसका ओवरऑल क्या बोल रहा है कि सर 26.23% से 2018 में था 50% तक पहुंचेगा। ये क्या? ये एम है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का। होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा यूजी लेवल से हर फील्ड में। रिस्ट्रक्चर करेगा यूजी और पीजी को 3 साल से 4 साल के लिए, है ना, और सर्टिफिकेशन देगा हर साल। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उसके बाद रैशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर बनाए जाएंगे। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के स्टेप बनाया जाएगा, ताकि जो रिसर्च है उसको बेहतर तरीके से किया जा सके। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को एक्सपेंड किया जाएगा। मोटिवेटेड एनर्जाइज कैपेबल फैकल्टी को लाया जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव गवर्नेंस और हायर एजुकेशन होगा। रेगुलेटरी बॉडी होगी, जो हेड बॉडी होगी कौन सा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सिंगल और अम्ब्रेला एजुकेशन होगा। उसके तहत चार बॉडी होगी, कौन कौन सी थी? NHERC, GEC, ठीक है, उसके बाद कौन सर? उसके बाद था NAC, और एक और बॉडी कौन सी थी? HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। ठीक है, आ जाओ उसके बाद टीचर एजुकेशन की बात करी जाएगी, जिसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन लाया जाएगा। टेक्नोलॉजी लाया जाएगा एजुकेशन में, NETF के द्वारा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के द्वारा। ठीक है, 100% जो है लिटरेसी 2000 एडल्ट एजुकेशन अचीव कर लेंगे। प्रमोट करेंगे इंडियन लैंग्वेज को। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर, ठीक है, 6% GDP का इन्वेस्टमेंट होगा किसमें? एजुकेशन सेक्टर में। अब वो तो हो गया हायर एजुकेशन। अब थर्ड पार्ट आते हैं, जो है अदर की एरियाज फोकस, जो बेसिक चीज है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन का। तो टेक्निकल एजुकेशन में कौन कौन सा चीजें हैं? ये सारी डिग्री, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ETC, ये सारा जो है टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिसाइड किया जाएगा कंट्री में, जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बच्चों को भेजा जाएगा, ताकि वो उसके डेस्टिनेशन को समझे, सीखे, साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन समझे, ट्रेडिशन समझे, अपना इंडिजीनियस लिटरेचर, ये सारा चीज को देखा जाएगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कितने जगह से ये किया जाएगा, कितने टूरिस्ट प्लेस डिसाइड किया जाएगा? 100 टूरिस्ट प्लेस, और सबको भेजा जाएगा कि भैया वहां जाके चीजों को देखिए। तो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए एक नई बॉडी, एक नया इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा, जिसका नाम होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI विल बी एस्टैब्लिश्ड। और
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पर्शियन एंड प्राकृत विल बी सेटअप, ये भी सेटअप किया जाएगा विद इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज और इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो क्रिएट करेगी प्रोवाइड करेगी प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग। किसके लिए? लर्निंग एनहांस करने के लिए, असेसमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड बोथ स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों के लिए। तो ये जो एनईटीएफ है ना, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो बनेगी, ये हायर एजुकेशन और स्कूल दोनों के लिए होगी, दोनों के एनहांसमेंट के लिए बात ये करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एनईटीएफ का जो है फंक्शन काम क्या है। देखो चार काम है इसके। पहला, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस, सेंट्रल और स्टेट को एडवाइस देने का, इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड। ठीक है, जो किसके लिए? गवर्नमेंट एजेंसी ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन के लिए। तो दूसरा, बिल्ड करना इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। तीसरा, इनविजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरिया इन दिस डोमेन। ठीक है, और आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन देना रिसर्च और इनोवेशन में। ये चार याद कर लेना, इससे भी सवाल पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहा है सर, टीचिंग लर्निंग जो ही कंटेंट होगा वो कंटिन्यू करेगा, डेवलप कौन कौन करेगा? सारे रीजनल लैंग्वेज में करेगा। कौन कौन? एनसीईआरटी, सीआईईटी, सीबीएसई, एनआईओएस और अदर बॉडीज इंस्टीट्यूशन जो होंगे, जो सारे को अपलोड कर दिया जाएगा। कहां? दीक्षा प्लेटफॉर्म पर। कहां? दीक्षा, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग, है ना, याद रखिएगा। अब उसके बाद ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की बात करी गई, जिसमें हम क्या बोला गया, जिसमें बोला गया भाई साहब हम पायलट स्टडीज करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन पर। ठीक है, इतने सारे जगह पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म और टूल्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल रिपोजिटरी और डिसमिनेशन देखेंगे, एड्रेस करेंगे डिजिटल डिवाइड को। डिजिटल डिवाइड इसको बोलते हैं जहां पे बिल्कुल भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, है ना, जहां पे इन सारी चीजों को नहीं दे पहुंचाया गया है, वहां उस क्षेत्र को भी एड्रेस किया जाएगा। वर्चुअल लैब्स बनाए जाएंगे, ट्रेनिंग और इंसेंटिव दिया जाएगा टीचर्स को, ऑनलाइन असेसमेंट और एग्जामिनेशन होंगे, उसके लिए परख है ना, ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग अपनाया जाएगा और लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स किए जाएंगे। तो ये सारा चीज आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ना था। तो एनईपी 2020 ये हो गया खत्म। अगर आप इतना करके जाएंगे ना तो यकीन मानिए दो क्वेश्चन बना के आएंगे। क्या करके आएंगे? दो क्वेश्चन बना के आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए अब कुछ डिजिटल इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं फटाफट। इसकी बात कर लेते हैं डिजिटल इनिशिएटिव की, आइए शुरू करें। आइए, सबसे पहला है NMEICT, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। देखिए भाई साहब, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत क्या हुआ, लर्निंग प्रोग्रेस को ध्यान में रखा गया है। और क्या, ये 3 फरवरी, कितना, 3 फरवरी 2009 को एस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया? 3 फरवरी 2009 को। तो ये कह रहा है टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स एंड इंप्रूव द एक्सेस क्वालिटी ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजी ऑफर सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एजुकेशन। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी NMEICT इज अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MHRD का क्या है आपका ये इनिशिएटिव है, किसके लिए भैया? टू इन्फ्यूज द डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशंस टू इंप्रूव एक्सेस टू क्वालिटी कंटेंट्स एंड आल्सो टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स के लिए, लर्निंग आउटकम्स के लिए। ठीक है, तो इसके तहत NMEICT के तहत ही सारे इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें स्वयं, स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यंत्रा, फोसी, स्पोकन ट्यूटोरियल्स, वर्चुअल लैब, इन सारे को इंप्लीमेंट किया गया इसी के तहत। किसके तहत सर? NMEICT के तहत। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखिएगा। चलिए अब अगर हम बात करें स्वयं की, किसकी बात कर रहे हैं? स्वयं की। तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं क्या है? एक मॉक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्री ऑनलाइन कोर्स को हर डिसिप्लिन को ऑफर किया जाता है। जो प्रोग्राम है इनिशिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, डिजाइन किया गया और 3 कार्डिनल प्रिंसिपल पर, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है इसका। क्या क्या? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। देखिए ये तीनों चीज पूछी गई है, 3 प्रिंसिपल्स भी पूछा गया, कौन क्या वो भी पूछा गया है, और इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसकी भी बात करी गई है। ठीक है, क्या है? हैज द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर एक्सेस टू बेस्ट टीचिंग लर्निंग सोर्सेस, ये बात कही गई है। स्वयं सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, बोल रहा है स्वयं क्या करता है? डिजिटल डिवाइड को भरने का काम करता है। ठीक है, दिस इज डन थ्रू द इंडिजिनियसली डेवलप्ड आईटी एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो हॉस्टिंग सारे कोर्स को करते हैं।
देखो देखो, नाइन्थ क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं भी एक्सेस करता है, किसी भी समय एक्सेस कर सकता है। और इसके जो जो है कह रहा है ऑल द कोर्सेस इंटरेक्टिव प्रिपेयर्ड है मोर देन 1000 रेप्यूटेड टीचर्स के द्वारा, जो कंट्री के हैं उसके द्वारा, और वो भी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लगता है। याद रखिएगा सवाल पूछा गया था, चार क्वाड्रेंट की बात करी गई है। क्या क्या सर? सबसे पहला क्वाड्रेंट है वीडियो लेक्चर, दूसरा है स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, तीसरा क्वाड्रेंट है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट और क्विज, और चौथा है ऑनलाइन डिस्कशन फॉर क्लियरिंग डाउट। ये चार क्वाड्रेंट है। कब आया था? 9 जुलाई 2017 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लाया गया था। जैसा स्वयं, ठीक वैसा ही स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा एक ग्रुप है 34 डिजिटल DTH चैनल्स का, जो 24x7 जो है GSAT-15 सैटेलाइट का उपयोग करते हैं, और दिन में हर समय जो है 4 घंटे में, हर 4 घंटे में क्या करते हैं, वो कंटेंट को रिपीट करते हैं, और 5 टाइम्स रिपीट किया जाता है। कब रिपीट किया जाता है? 5 टाइम्स, ठीक है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और चैनल जो है लिंक्ड है विशाख एंड गांधीनगर से, जो चैनल्स आर किसके द्वारा लिंक्ड है, अब लिंक विशाख गांधीनगर के द्वारा। और कंटेंट जो प्रोवाइड करते हैं एनएफटेल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नोर, द इंप्लीमेंट सेंटर्स, ये भी ठीक है, ये भी प्रेसिडेंट जिनने लॉन्च किया था स्वयं प्रभा को 9 जुलाई 2017 को। डीटीएच चैनल जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, आईआईटी पाल है ना, स्कूल एजुकेशन 9 to 12, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। स्वयं प्रभा हैज बीन इंटीग्रेटेड ऑन उमंग ऐप, उमंग ऐप पे भी स्वयं प्रभा को क्या किया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब उसके बाद है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL, क्या है NDL है ना। अब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें, हाँ, तो ये क्या भैया, ये आईआईटी खड़गपुर में ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया भाई साहब? आईआईटी खड़गपुर ने, ठीक है ना। तो ये कब हुआ? 19 जून 2018 को। कब हुआ भाई साहब ये? कब आया है? 19 जून 2018 को, है ना। जो क्या बोल रहा है NDLI जो प्रोजेक्ट है, हैज बीन इंटरेस्टेड आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर ने इसको ये बनाया है, टू डेवलप द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटी दैट कैन प्रोवाइड अ सिंगल विंडो एक्सेस टू लर्नर फॉर ई कंटेंट एंड रिसोर्सेस। तो भाई साहब किसके लिए है? ई कंटेंट और रिसोर्सेस के लिए। किसके लिए है? ई कंटेंट और रिसोर्सेस के लिए बनाया गया है, ठीक है। द विजन इज टू बिल्ड NDLI नेशनल नॉलेज एसेट। क्यों बनाया गया भैया? ताकि ये नेशनल नॉलेज एसेट बना सके, जो जो क्या करे, दैट शुड बिकम द की ड्राइविंग फोर्स फॉर एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑल्सो अवेलेबल इन मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है, ठीक है, याद रखिएगा। NDL में 200 लाख से ज्यादा कंटेंट है और 45 लाख से रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इसके, ठीक है, याद आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, ठीक है। अब चलते हैं ईपीजी पाठशाला, किसकी बात कर किया जा रहा है? ईपीजी पाठशाला की। ईपीजी पाठशाला क्या है सर? ईपीजी पाठशाला जो है इनिशिएटिव है MHRD का, जो नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू ICT के तहत बनाया गया है, और एग्जीक्यूटेड किसके द्वारा है? UGC के द्वारा। किसके द्वारा एग्जीक्यूटेड है? UGC। UGC क्या है भैया? तो ये तो बात आप तो बचपन से जानते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? क्यों द कंटेंट और क्वालिटी जो है वो की कंपोनेंट है एजुकेशन सिस्टम का, हाई क्वालिटी करिकुलम बेस्ड इंटरेक्टिव कंटेंट है ना, कहां 70 सब्जेक्ट्स में सारे डिसिप्लिन जो सोशल साइंस के हैं, आर्ट्स के, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल, मैथमेटिकल, सब के जितने के भी हैं उसके सारे के सारे एक्सपर्ट जो यहां पे अवेलेबल है, और यहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद शोध गंगा। शोध गंगा तो थीसिस के लिए, देखिए शोध गंगा क्या है? थीसिस के लिए, जो भी थीसिस लिखते हैं ना हम लोग PhD के दौरान, वो यहां पे अपलोड किया जाता है ना, बस इतना ही। शोध मतलब होता है संस्कृत, कहां संस्कृत वर्ड से आया, जो इसका मतलब होता है रिसर्च, और गंगा का मतलब होता है होलीएस्ट, या ये तो गंगा इज द सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर सिविलाइजेशन, ये फालतू बकवास है, इतना याद रखो। शोध गंगा थीसिस के लिए होता है, ठीक है, जो इन्फ्लिमेट के द्वारा जो चलाया जाता है, होस्ट किया जाता है, ठीक है, इतना याद रखना है। ई शोध सिंधु, अब देखो ई शोध सिंधु क्या है भैया? 15,000 से ज्यादा ई जर्नल्स यहाँ अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, हायर एजुकेशन का क्या है ये डिजिटल रिसोर्स है, क्या डिजिटल रिसोर्स के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है, इतना ही होगा, इसमें ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया सर? मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, यानी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब कहा गया, इस वो मिलकर इसको बनाया। एम क्या है? एम और ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लीजिए,
मेन ऑब्जेक्टिव इज सस्टेनेबल कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन रिसोर्सेज टू प्रोवाइड एक्सेस क्वालिटेटिव इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। तो ये इसका भी काम क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए है ना, आपको कंटेंट मिले उसके लिए, ठीक है। बाकी बाकी और इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको नोट मिल जाएगा। अब क्या है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। अब नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी क्या है सर, यहां पे ना सारा का सारा जो आप एकेडमिक जितना भी डिग्री है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप अपने पास रख सकते हैं, यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। मतलब एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, यहाँ आप अपलोड करा सकते हैं। किसके द्वारा लिखे बनाया गया ये, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्या है, याद रखिए, देखिए क्या बोल रहा है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इज अ 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स, सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट, ये सारा चीज आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, है ना जी। कह रहा है ड्यूली डिजिटाइज्ड एंड लॉज्ड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बोर्ड एलिजिबिलिटी असेसमेंट बॉडीज, ठीक है। एनईडी नॉट ओनली इंश्योर इजी एक्सेस एंड रिट्रीवल ऑफ एकेडमिक अवार्ड बट ऑल्सो वैलिडेट द गारंटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ सेफ स्टोरेज, ठीक है। ये डिजी लॉकर की तरह है, क्या है, किसकी तरह है, डिजी लॉकर की तरह। क्या डिजी लॉकर क्या है, फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। डिजी लॉकर एम्स क्या करता है, डिजिटल इंपावरमेंट करता है सिटीजन प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट का। तो भाई साहब ये डिजी लॉकर नेशनल डिजिटल एकेडमी सॉरी नेशनल डिजिटल क्या है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का ही पार्ट है। चलिए उसके बाद है ई यंत्रा, क्या है ई यंत्रा, ई यंत्रा रोबोटिक्स के लिए, मतलब रोबोटिक्स आउटरीच प्रोग्राम है जो फंड किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और होस्ट किया आईआईटी बॉम्बे। क्या है इसका गोल, हार्नेस टैलेंट को, यंग इंजीनियर्स को क्या करना, सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को यूजिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस वैरायटी ऑफ डोमेन, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर, डिफेंस, होम, स्मार्ट सिटी पे बेसिस पर ये काम क्या करता है, यहाँ पे यंग इंजीनियर्स काम करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, रोबोटिक्स को लेकर। चलिए उसके बाद है फॉसी, फ्री लाइब्रेरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो प्रमोट करता है फ्लॉस टूल्स को इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए अपने कंट्री में, ठीक है। चलिए तो भैया ये कौन लेके आया फॉसी प्रोजेक्ट, पार्ट किसका है, नेशनल म्यूजिशियन एजुकेशन थ्रू आईसीटी एनएमआईसीटी का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों का, ठीक है। उसके बाद है स्पोकन ट्यूटोरियल। अब अगर हम स्पोकन ट्यूटोरियल की बात करें तो स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है भाई साहब, स्पोकन ट्यूटोरियल मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल है जहां पे आप क्या कर सकते हैं वेरियस फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑल बाय वन सेल्फ, खुद से कर सकते हैं, खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का कंटेंट पोर्टल, ये क्या है कंटेंट पोर्टल है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल लैब, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, एमएचआरडी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अंडर द एजिस ऑफ नेशनल म्यूजिशियन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग एनएमईआईसीटी बोलते हैं। और ये कंसोर्टियम एक्टिविटी 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड आईआईटी दिल्ली कोऑर्डिनेट कर रहा है इसको, याद बस इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा इसमें पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नीट की बात करते हैं, नीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है ना, ये नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है, मॉडल जो है गवर्नमेंट के थ्रू होता है ना, जो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वो कौन है, AICTE है, ठीक है ना। और ये क्या करता है सर, इसका काम जो है नीट का वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक जो है कम पैसा 49-51% शेयर वाला बात है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एम क्या है नीट का, टू ब्रिंग बेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट एजुकेशन पेडागॉजी इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना, ठीक है। एडेप्टिव लर्निंग की बात करता है, 2019 में आया है, कब आया है ये, 2019 में, है ना, याद रखिएगा। चलिए बस इतना ही याद रखिए, इसमें ज्यादा कुछ खास बात है नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टॉक टू अ टीचर, टॉक टू अ टीचर क्या है, डेवलप बाय आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया है। इनिशिएटिव क्या है, नेशनल मिशन, वही एनएमईआईसीटी के थ्रू है, ठीक है, जो फंडेड किसके द्वारा, एमएचआरडी, टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू अ फ्यू सेलेक्टेड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो टॉक टू अ टीचर में क्या भैया, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक्सेस यहां मिलता है, टॉट एट आईआईटी बॉम्बे बाय डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी, जो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाए जाते हैं, एंड मेंबर्स एंड स्कॉलर्स एट लार्ज, ठीक है। उसके बाद है ई आचार्य, ई आचार्य भी एनएमईआईसीटी के तहत लिखा गया ई कंटेंट है, ई कंटेंट पोर्टल ही है ना, जो ऑफिशियल रिपोजिटरी के एनएमईआईसीटी के तहत है। ऑल कंटेंट प्रोड्यूसर है ना अंडर दी एनएमईआईसीटी इज बीइंग द रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म
एट इंफ्लुबिनेट सेंटर गांधीनगर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बस में और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या भैया, इकल्पा, इकल्पा एमएचआरडी और एनएमईआईसीटी के तहत लिखा गया है। कल्पा मतलब इट क्रिएट्स डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन, डिजाइन के लिए, कल्पा मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के लिए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फॉलोइंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, चार ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या सर, देखिए सर तीन है, डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट, लर्निंग डिजाइन या ई लर्निंग प्रोग्राम्स करना डिजाइन का, मतलब टोटल डिजाइन की बात करा गया, डिजिटल डिजाइन, रिसोर्स डेटाबेस जो है उसकी बात करता है, सोशल नेटवर्किंग फॉर हायर लर्निंग एंड कोलैबोरेटिंग स्पेस फॉर डिजाइन की बात करता है। बस ये हो गया आपका कुछ इनिशिएटिव, है ना जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।